विधायक दल की जयपुर में बैठक हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनिर्वाचित विधायकों को पीसीसी बुलाया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर चर्चा कर रही है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों से चुनाव का फीडबैक भी लिया जा रहा है। हार के कारणों को तलाशने की कोशिश ताकि वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो जो इस बार विधानसभा चुनाव में हुई हैं। चूंकि कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस थी और कांग्रेस का मानना था कि इस बार हम रिवाज बदल डालेंगे। मिशन 156 लेकर कांग्रेस चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर वो गलतियां कौन सी हो गई जिसकी वजह से सत्ता में बरकरार नहीं रह पाई कांग्रेस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। पीसीसी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जिसमें कई दिग्गज मौजूद हैं, पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर भी लगातार मंथन किया गया, चिंतन किया गया। और इसके साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी सौंपी गई जिसके आधार पर कांग्रेस का मानना है कि टिकट का बंटवारा हुआ, वितरण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने कहा था काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, लेकिन कांग्रेस फिर से नहीं आ पाई है। और इसी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है कांग्रेस को। कमान ने जो मुझे टिकट दिया उनका आभार, और फिर मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोसाई जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिन रात 20-25 रोज मेहनत करके और मुझे भारी मतों से जिताया। नुकसान हुआ दोसा में, पूरी राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस। देखो वैसे नुकसान तो हुआ ही, पहले हम चार थे, अब मैं अकेला रह गया। क्या वजह मानते हैं इसकी, बड़ी वजह क्या मानते हैं? मेन तो क्या कि बीजेपी ने वोटों का धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे पोलराइजेशन किया है, और इस वजह से हमको हारना पड़ा। हमारे काम अच्छे थे, हमारी योजनाएं अच्छी थी, और मेरे दोसा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे, उन्होंने उस पोलराइजेशन रोक दिया। कोशिश मेरे यहाँ भी की गई थी। इस चीज का विश्लेषण हो रहा है कि कहाँ चूक गए, कहाँ कमियां रही। देखिए जब आप चुनाव हारते हैं तो कहीं तो कमियां रहती है, तभी हारते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा जो बेनिफिशियरी मॉडल था जिससे लोगों को लाभ हुआ उसमें कोई कमी नहीं थी, और बीजेपी द्वारा किया हुआ जो ध्रुवीकरण है, जो हमेशा से ही जाति को धर्म को बीच में लाते हैं, भ्रमित किया जाता है, कैंपेन को उस तरीके से खड़ा किया जाता है, मैं मानती हूँ इसलिए उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन 115 नंबर जो मिले हैं बीजेपी को, वो उनकी कोई थंपिंग विक्ट्री नहीं मानती हूँ मैं। अगर बड़ी थंपिंग विक्ट्री होती, बीजेपी बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आती, तो मैं फिर भी कहती कि पूरा मैंडेट राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को दे दिया, अगर ये 130-140 प्लस होता तो। लेकिन 115 जो है वो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी रडार पे ही खड़े हैं। तीनों सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया 46 साल के बाद में, तो योजनाएं भी दी और जमीन पर भी उतरी है, और सामान्य अशोक गहलोत जी ने देश में नंबर एक मुख्यमंत्री होने का मॉडल भी पूरे देश के सामने पेश किया है। तमाम अशोक चांदना क्या आप लड़ेंगे क्या सड़कों पर, पहले की तरह जैसे विपक्ष में थे उस टाइम अशोक चांदना सड़कों पर लड़ा? मैं आपको कह रहा हूँ, जनता ने विपक्ष में रहकर उनके मुद्दे उठाने की जो जिम्मेदारी दी है उसमें पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ में मुद्दे उठाएंगे, और जो सरकार में रहेंगे उनकी आंखें खोलने का, जनता के मुद्दों को उनके सामने मजबूती से रखने का काम करेंगे। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, हार को लेकर चर्चा जरूरी भी है, सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन लोकसभा को फाइनल के तौर पर देखा जा रहा, और कोशिश कम से कम ये की जानी चाहिए कुछ स्कोर तो बना लें। जी देखिए, चुनौतियां और ज्यादा सामने आने वाली कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 2014 के बाद में जो उपचुनाव हुए थे उनमें जरूर कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उपचुनाव में जीती थी, लेकिन जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी दिल्ली में यानी लोकसभा में एक भी सांसद नहीं भेज पाई,
तो अब एक बार फिर से ये जो हार है कहीं उसका मनोबल ना तोड़ दे, इसका वो पूरा ख्याल रख रही है। इसलिए आज जो समीक्षा बैठक हो रही है, पहली बैठक है जिसमें एक तरह से गेट टुगेदर भी है कांग्रेस पार्टी के जीते हुए जो विधायक है उनका और उनके साथ में जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो दिल्ली से आए हैं, मुकुल वासनिक है, मधुसूदन मिस्त्री है, भूपेंद्र हुड्डा है, तो ये भी एक तरह से पार्टी के आलाकमान का मैसेज लेकर के आए हैं कि एकजुट रहना होगा और जो हार हुई है इसको तत्काल भूलना पड़ेगा। हार के कारणों की पार्टी समीक्षा करेगी, कहां कहां चूक हुई, कहां कहां गलतियां हुई, इतना ढिंडोरा पीटा गया योजनाओं का, स्कीम्स का, गारंटी का, लेकिन क्यों जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है और उनका जो खेमा है वो यही सोचने में, यही मतलब हार के कारणों की पड़ताल करने में जुटा है कि आखिर पार्टी गुटबाजी तो कहीं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन लगता यही है कि अब पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ाएगी, नए ऊर्जावान जो चेहरे जनता को साथ ले सकते हैं उनको आगे बढ़ा करके और फिर लोकसभा के चुनाव में उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मा दिया जाएगा। तो हो सकता है बहुत बड़े चेंजेस आने वाले दिनों में देखने को मिले, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीते हैं, इसके अलावा नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव जीते हैं, कई बड़े नेता चुनाव जीते भी हैं तो हारे भी कई बड़े नेता, 17 तो विधायक मंत्री हैं वही चुनाव हार गए हैं। तो ऐसी सूरत में कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, पीसीसी में क्या कोई नया अध्यक्ष लाया जाएगा, या किस तरह से गोविंद डोटासरा ने पार्टी के लिए मेहनत करी और ज्यादा उनके नंबर बढ़ाने की कोशिश होगी, अशोक गहलोत का रोल क्या होगा, वो राजस्थान में रहेंगे या फिर उन्हें दिल्ली में उनके तजुर्बों का पार्टी लाभ लेने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। लेकिन आज पार्टी के विधायक दल की पहली बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में फिलहाल लगता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर ज्यादा कोई चर्चा होगी। एक जो प्रस्ताव वो पारित किया जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन का जो जिम्मा वो पार्टी के आलाकमान पर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा सब लोग आपस में मिलेंगे और किस तरह का फीडबैक रहा उनके चुनाव का उस बारे में जानकारी देंगे और एक बढ़े हुए मनोबल से इस बैठक के बाद में पार्टी के विधायक निकलेंगे और सबको सबका यही आह्वान किया जाएगा कि इस हार को भूल करके और लोकसभा के चुनाव में जुटना है और जो अकाल है लोकसभा में राजस्थान की तरफ से कांग्रेस पार्टी का उसे खत्म करना, उस सूखे को। तो बहुत सारी चुनौतियां पार्टी के सामने है, उनसे किस तरह से पार पाएगी ये इस बैठक के बाद में जब बड़े नेता बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, क्यों जनता ने उन पर एतबार नहीं किया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी गारंटियों के अभी भी जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं, अभी भी गहलोत और डोटासरा और राहुल गांधी की तस्वीरें आपको पीसीसी के बाहर दिखाई पड़ सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि पार्टी को यकीन तो बहुत था लेकिन जनता को लगा कि 5 साल में सरकार बदल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बदली हुई जो सरकार होती है वो दबाव में रहती है और निरंकुश नहीं होता शासन एक तरह से। तो जनता ने बदलाव का मन बनाया, बीजेपी को बहुमत दे दिया, बीजेपी की अब सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की तरह से जनता ने रिवाज को बरकरार ही रखा। वो तस्वीरें भी आपने दिखाई जहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से, लेकिन बीजेपी की वापसी हो गई है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है बाबूलाल कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी, हालांकि कई कारण भी सामने आ रहे हैं, टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठ रहा है। आप नजर बना रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान विधानसभा